सुशांत सिंह राजपूत के मौत के बाद बॉलीवुड का सच धीरे धीरे अब सामने आ रहा है। जी हाँ, बॉलीवुड का सच जिस बारे में अभी तक सारे लोग उस बात से अनजान हैं, ऐसे खुलासे हो रहे हैं जो कोई और नहीं बल्कि अभी बॉलीवुड के ही सेलिब्रिटीज करते नजर आ रहे हैं। धीरे धीरे ये खुलासे विवाद बनते जा रहे हैं। इस खुलासे के बाद बॉलीवुड के कई सारे सेलिब्रिटीज पर केस दर्ज भी हो चुके हैं। आपको बता दे कि इसमें सबसे ज्यादा जो नाम सुर्खियां बटोर रही है वो और किसी का नहीं बल्कि दबंग खान सलमान खान का है। सलमान खान पर पहले ही बिहार के मुजफ्फरपुर में केस दर्ज हो चुका है, जहां उन पर सुशांत के आत्महत्या को लेकर आरोप लगाए गए हैं। तो वहीं सलमान खान पर डायरेक्टर अभिनव कश्यप ने भी आरोप लगाया है, जहां उनका कहना है कि फिल्म दबंग की रिलीज के बाद से ही सलमान खान और सोहेल खान के साथ साथ अरबाज खान मिलकर तीनों भाइयों ने उनके फिल्म बेशर्म की रिलीज को रोकने की कोशिश की, तो वहीं उसके राइट्स में भी काफी सारे अड़चने लगाने की कोशिश की हैं। अभिनव ने खान परिवार पर उन्हें मानसिक रूप से परेशान करने और इंडस्ट्री में उन्हें काम ना करने देने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि खान परिवार अपने नाम और रुतबे का इस्तेमाल करके उन्हें टारगेट कर रहे हैं। आपको हम याद दिला दें कि अभिनव कश्यप के इस आरोप के बाद भी सलमान खान पर इल्जामों का सिलसिला है जो थमने को तैयार नहीं है। सलमान खान पर एक बार फिर से संगीन आरोप लगाया गया है। जी हाँ, बॉलीवुड एक्ट्रेस जिया खान की मां ने हाल ही में एक वीडियो जारी किया है, जिस वीडियो में सलमान खान पर संगीन आरोप लगाती वो नजर आ रही हैं। उनका कहना है कि सुशांत के ऐसे चले जाने पर उन्हें उनकी बेटी के साथ हुए हादसे की याद आ रही है। आपको बता दें कि जिया खान की मां राबिया अमीन का ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वो सुशांत सिंह राजपूत के निधन पर दुख जता रही हैं। उनका कहना है कि मेरी संवेदनाएं सुशांत सिंह राजपूत के फैमिली के साथ है। सही मायने में ये दिल दहला देने वाला मामला है, यह कोई मजाक नहीं चल रहा है। अब बॉलीवुड को बदलना होगा, बॉलीवुड को जागना होगा, बॉलीवुड को पूरी तरीके से ऐसा करने से रोकना होगा। बुली करना भी एक तरह से ही किसी की हत्या करने वाली बात है। जिया खान की मां ने आगे कहा कि अभी जो कुछ भी हुआ है वो मुझे 2015 की याद दिला रहा है। जब मैं जिया के मामले में एक सीबीआई ऑफिसर से मिलने गई तो उसने मुझे कहा कि सलमान खान का फोन आया था, वो आज फोन करते हैं और पैसे की बात करते हैं। वो हमेशा यही कहते हैं कि लड़के से पूछताछ बंद कर दो, उसे मत छुओ, तो हम क्या कर सकते हैं मैडम। इसके बाद राबिया इस मामले में उच्च अधिकारियों से भी मिलने गई, लेकिन उन्हें किसी से भी मदद नहीं मिल पाई। राबिया अमीन अब सीधे सीधे सलमान खान पर इतना बड़ा आरोप लगाती नजर आ रही हैं। आपको भी हम उनका ये वीडियो दिखाते हैं। My condolences to Sushant Singh's family. It is very heartbreaking. It is not a joke. Bollywood has to change. Bollywood has to wake up. Bollywood has to completely demolish bullying. And I have to say, bullying is also a kind of killing somebody. Now, all these things, what is happening, has reminded me in 2015 when I went to meet CBI officer who had called me down from London, said, please come, we have found some incriminating evidences. I land up over there and he says, oh, by the way, you know, Salman Khan called me up. He calls me every day and he says he's invested a lot of money. Please don't harass the boy. Please don't interrogate him. Don't touch him. So what can we do, madam? He looked frustrated and he was annoyed. I took this matter to Delhi to the higher CBI officers and I have complained about it. And if this is the scenario, if this is what is going to happen, that you're going to pressurize and use your money and power to sabotage deaths and investigations, then I don't know where we are going to, we citizens are going to go. Who do we go to? I want to say, please stand up, fight, protest, and stop this toxic behavior in Bollywood. तो चलिए, ये वीडियो देखकर तो आपको पता चल ही गया होगा कि जिया खान की माँ सलमान खान पर कितना बड़ा आरोप लगा रही हैं। अब धीरे धीरे और कौन सा खुलासा होता है इन सब विवादों के बाद, ये तो अब देखने वाली बात होगी। फिलहाल कुमार स्टोरी में बस इतना ही। ऐसी और तमाम खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए हमारा चैनल।